नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कोहली एक बार फिर हाजिर हुई एक नई वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, यदि आप नरवर के किले पर पधारे हैं फिर तो वो बोलते हैं कि इसमें कुछ हो तो वीडियो बना के हमको बताएं, ऐसी हम आए घूमने। तो यदि आपको आना है तो आप आ सकते हैं, तो हम आपको ले चल रहे हैं, आपको ले चल रहे हैं ईसाई उनका गिरजाघर बना हुआ है उसमें ले चल रहे हैं। ठीक है, देखो बना हुआ है, देखो बहुत शानदार बना हुआ है। यहाँ पर आप हम आपको दिखाएंगे, उसमें वो भी लगा हुआ है, इसमें पढ़ के सुनाएंगे आपको ये कब बना क्या बना, उसमें कुछ लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा बना है, तो जब भी नरवर आए तो इस किले में गिरजाघर को देखने जरूर आए। ये हमारे सर जी बैठे हैं, सर हमारा साथ देते हैं, आते जाते रहते हैं घूमने। देखो इस पर इसमें ये लगा है, इसमें ये लगा है, ये लिखा है ईसाइयों का गिरजाघर लिखा है कब्रिस्तान। इसमें जी आप पढ़ लीजिएगा, आपको झूम करके हम बता रहे हैं। इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कुछ इंसानों ने इसको फोड़ दिया है, इनकी क्या कीमत जाना। देखो बहुत अच्छा बना हुआ है, इधर आपको ले जा रहे हैं। देखो इसमें कब्र बनी हुई है, एक ये बनी है बहुत ही अच्छा बना हुआ है उस टाइम का। ये बना हुआ है, कोई कब्र ये बनी है अच्छी। यहाँ पर वो रहते थे ईसाइयों, ईसाई भी यहाँ रहा है। यहाँ पर जो तोप खाना था, तोप की एक कंपनी थी जो तोप चलाने वालों की, गोला बारूद की, तो वो ईसाइयों की कंपनी थी, तो उन्होंने यहाँ रहा, यहाँ पर आके रहे, वो अपना गिरजाघर बनाया। देखो सबकी सबको अपनी अपनी ज़रूरत होती है, ये बना है। देखो यदि आप नरवर आए तो यहाँ बिल्कुल आए, ये बना हुआ है, आपको इधर से दिखा दें, बहुत अच्छा बना हुआ है पूरा प्रांगण एक बहुत। ये आपको अंदर अंदर लेकर भी दिखाते हैं, ये देखो ये बना हुआ है। ये बना हुआ है, देखो सब उनका गिरजाघर बना हुआ है। तो जब आप ये देखो इधर से दिखाते हैं, तुमको चारों तरफ घुमा के दिखाते हैं, तो आप पधार हैं नरवर आए तो गिरजाघर में। नरवर में तो सब हिंदुओं का है, हिंदू धर्म का है, हिंदुओं का। अरे आपके लिए भी तो है, आप भी तो इंसान है, आपके लिए भी तो एक बना हुआ है यहाँ। देखो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छी वो। यहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बहुत सुकून मिलता है यहाँ के। सरकार ऐसी और ध्यान नहीं दे रही है, इसमें पेड़े वगैरह लगे हैं जी। तो उस टाइम का बना हुआ है, यहाँ एक पुराने टाइम की ये डली हुई है, इस पर वो बना हुआ है क्रॉस। देखो आपको दिखाएं, ये देखो इसमें कुछ अब समझदारों के लिए, हमको तो कुछ आता नहीं है, उर्दू वगैरह में लिखा हुआ है या उसमें लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है ये आप पढ़ने वाले खुद देख लेंगे ये। ठीक है दोस्तों, ये बना हुआ है जी, गेट इधर है। सर जी आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं नरवर के किले पर तो कई बार आ चुका हूँ, लेकिन ये गिरजाघर में आज पहली बार आया हूँ। ये धीरज कोहली जी के द्वारा हमें इस
बहुत ही करीबन इसका करीबन 18वीं सदी में शायद इसका जीर्णोद्धार कराया। ये किला बहुत ही पुराना है और यहाँ का अधिकतर लोगों को जो पर्यटक जो आते हैं उनको यहाँ की जानकारी ना होने की वजह से ये थोड़ा अधिक दूरी पर भी है, किले से करीबन 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। अगर आप नरवर आते हैं, अगर किले आते हैं तो इस गिरजाघर को अवश्य देखें। याट को अनवारी के पास में बना हुआ है। हम बाहर निकल के आ गए हैं तो आप भी जब भी पता रहे नरवर के किले में तो गिरजाघर देखने जरूर आए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा नहीं है कि ईसाइयों का पुराने टाइम पे कैसे बना होता है, तो इस किले में भी ईसाई बसे हैं, ईसाई रहे हैं, इसलिए उनका ये गिरजाघर बना हुआ है। नहीं होते तो कैसा, तो आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपको, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।